मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच के भेड़िया प्रभावित मैसी तहसील का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने भेड़िया के हमले में मारे गए घायलों और मासूमों के परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सिसैयाचूरा मड़ी गांव पहुंचकर 27 पीड़ित परिवारों को गिफ्ट दिया और बच्चों को चॉकलेट खिलाई। बच्चों को दुलाराते हुए अपने प्यार का इजहार भी किया। मुख्यमंत्री ने 75 साल की मखाना देवी से भी मुलाकात की, जो भेड़िया के हमले में घायल हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग की 165 टीमें भेड़ियों को पकड़ने में लगाई गई हैं। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो उसे मार दिया जाएगा। जब तक खतरा समाप्त नहीं होता तब तक वन विभाग की टीम यहां मौजूद रहेगी। सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई शिकायत, कोई भी सूचना नहीं है। 2-3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था, इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहां पर एक किले हमारी यहां पर 165 की टीम वन विभाग की यहां पर है, जो ये हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहां पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। और हमने एक और निर्देश दिया है कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अब तक आवास की सुविधा से वंचित है, तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना में उस परिवार को एक एक आवास उपलब्ध करवाया जाए। जिन लोगों के पास अन्य सुविधाएं नहीं है, प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके उन लोगों को ये सुविधा, आवास का है, शौचालय का है, राशन कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड का है, इन सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने की एक अभियान चलाकर उन्हें आच्छादित किया जाए।